कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदेश में किसानों को डीएपी और यूरिया की कमी ना हो इसके लिए सख्त तेवर दिखाते हुए खाद विक्रय में गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों और व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि खाद विक्रय को लेकर प्रदेश में जहां जहां गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही हैं वहां वहां कड़ी कार्रवाई की जा रही है। देखिए हमारे रिपोर्टर मोहम्मद ताहिर खान की ये रिपोर्ट। इस समय किसान रबी की बुआई के लिए तैयार है, खेत बना रहा है, उसको खाद की आवश्यकता और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से विशेष आग्रह करके खाद उपलब्ध कराया है। हमने डीएपी और यूरिया की पर्याप्त व्यवस्था की है। हर सोसाइटी में 75% खाद और 25% बाजार में खुले में बेचने का व्यवस्था की है। हमने जहां कहीं भी गड़बड़ी आई, किसानों की शिकायत आई, त्वरित कार्रवाई की है। कल हमने खातेगांव के अजनास में राजगढ़ जिले में अवैध खाद विक्रय करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और अभी हमने निर्देशित किया है सभी कलेक्टर सभी डीडीएस को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के निर्देश पर कि जहां भी कहीं भी गड़बड़ी है, कालाबाजारी है, कोई भी हो, चाहे कर्मचारी हो चाहे वो व्यापारी हो, बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिक कर्मचारियों को निलंबित भी किया जाएगा, FIR कराई जाएगी और व्यापारियों के खिलाफ भी अगर अवैध कालाबाजारी की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी सरकार। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।